नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। चंद गोलियों और ज़रबात से मेरा अज़्म और हौसला पस नहीं किया जा सकता, पहले से ज्यादा आवाम की खिदमत करूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। आज मैं मुसलमानों की दुआओं के नतीजे में जिंदा हूं, सेहतयाबी के बाद कायदे मजलिस का पहला जज्बाती खिताब। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा को फौरी इस्तीफा देने, बीजेपी आला कायदीन की हिदायत। और तेलंगाना वज्रा से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की आज शाम मुलाकात का इम्कान, इस्तीफों से दस्तबरदारी की तरगीब देने की कोशिश। अब खबरें तफसील से। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जवां साल कायद अकबरुद्दीन ओवैसी ने 3 माह बाद पहली मरतबा अवामी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए 40 मिनट अपनी जज्बाती और रिवायती अंदाज में तकरीर करते हुए अपने चाहने वालों के दिलों को छू लिया। कायद मजलिस ने कहा कि आज वो मुसलमानों की दुआओं के नतीजे में जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि चंद गोलियाँ और ज़रबात उनके अज़्म और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह पहले से ज़्यादा गरीब मुसलमानों की खिदमत करेंगे। उन्होंने तलबा को तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया। मुझे कामयाब कर, अगर मुझ में दयानत नहीं, मैं मुझ में ईमानदारी नहीं तो ऐसा तो किसी और में कामयाब। प्रेशर जीरो था,
डॉक्टर की एक जो देख रही थी रोती हुई गई कि शायद इनके पास सिर्फ 10 सेकंड है। तो मैंने उस डॉक्टर से कहा कि 10 सेकंड नहीं, अभी भी मेरे पास 10 घंटे हैं। तो बोलो क्या कर सकते हैं, बोलो अकबर ओवैसी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। अपने
और रहने वाले मुसलमान किराए के घर में रहने वाले मुसलमान की तकलीफ का एहसास मुझे है। इलेक्शन में हर घर हर घर से निकलने वाले गरीब ने मुझसे कहा कि अकबर साहब किराए के घर का किराया देते देते हम थक जा रहे हैं, आप खुदा के लिए कुछ घरों का इंतजाम कीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी कैसे अपने आप को मिले, अरे मैं जिंदा हूँ और बकैद हयात हो तो 70 एकड़ पर 25,000 घर बनाऊंगा और गरीब हमारी जबान खामोश थी तो कई जबाने उठ रही थी, कई बातें उठ रही थी। आज मैं दारुस्सलाम के दौर दरवाजे से दीवार में खड़े होकर उन सारे मुखालिफीन वो मीर सादत मीर जाफर की औलादों को खबरदार करता हूं कि अभी अकबर ओवैसी जिंदा है। अपने जबानों को काबू में रखो, अपने मंसूबों और साजिशों को और आगे मत बढ़ाओ। अभी ये जय्यदों की जमात और गय्यूरों की जमात और इस गय्यूरों की जमात में अभी भी अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान करने और अपने खून को बहाने वाले ईमान वालों की कमी नहीं है। कोई ले या ना ले, कोई कुछ करे या ना करे, अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों में अभी भी ताकत है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपना इंतकाम ले सकता है और जरूर अपने एक एक खतरे खून का एक एक आंसू। अकबरुद्दीन ओवैसी एक एक आंसू मेरे चाहने वालों की आंखों से टपका है। मेरी औलाद, मेरी माँ, मेरे बीवी, मेरे बच्चों, मेरे चाहने वालों की आंसू से टपके एक एक आंसू की कसम अकबरुद्दीन ओवैसी उस एक एक आंसू की कीमत हासिल करेगा उन दुश्मनों से और अपना इंतकाम जरूर लेगा और उनको छोड़ने वाले नहीं है। मुझे अपने इंतकाम के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मुझ में अभी भी ताकत है, मैं अपना इंतकाम खुद ले सकता हूं। लेकिन मैं यहां पर आए सारे मुसलमान और कुर्बानों से कहूंगा याद रखो, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं सिर्फ ये दुआएं हैं, दियानतदारी है, ईमानदारी है और अल्लाह ने ये बता दिया, साबित कर दिया। आपको याद होगा मैं अपनी तकरीर में कहता था कि मौत और हयात रिजक और रिजक दौलत चिल्लर देंगे तो इस तरीके से 10,000 उर्दू मीडियम तालिब इल्म को किट्स और बुक्स को गाइड दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने भी 10,000 की तैदाद में उर्दू मीडियम के बच्चों की मदद की है जो मदरस आलमोस जमीन कर रही है जो खुद अपने आप में रिकॉर्ड है। ये भी कहूंगा कि क्लास 7 के लिए 2,500 फिर से रिकॉर्ड करके बता। अब बढ़ती है दूसरी खबरों की जानिब। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। बीजेपी आला कायदीन राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने आज फिर येदियुरप्पा से मुलाकात करते हुए उन्हें फौरी इस्तीफा देने की दरख्वास्त की। येदियुरप्पा ने बीजेपी आला कायदीन को कल इस्तीफा देने का तयखुन दिया है। बीजेपी आला कायदीन ने येदियुरप्पा को दो टोक अंदाज में कहा है कि पार्टी डिसिप्लिन शिकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए हुकूमत की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े।
پتا چلا ہے کہ بی جے پی اعلی قائدین نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے یدیورپا کو آج رات تک مستعفی ہو جانے اور کل تک نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے عمل کے لیے راہ ہموار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بی جے پی اعلی قائدین نے پارٹی میں یدیورپا کے حامی ارکان اسمبلی کو بھی کسی بھی طرح کی ڈسپلن شکنی کے خلاف انتباہ دیا ہے۔ یدیورپا کے حامی ایشورپا نے کہا ہے کہ یدیورپا کے استعفے کو ارکان اسمبلی کی جانب سے قبول کرنے کے بعد ہی نئے چیف منسٹر کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس پر دی اوپینین آف دی لوک آیکتا رپورٹ دا سی ایم شوڈ بی ریزائن سو سی ایم چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے آج شام تلنگانہ کے وزراء کا اجلاس طلب کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر مستعفی وزراء سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں پھر ایک بار استعفوں سے دستبرداری کی ترغیب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران ریاستی وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے اجلاس میں شرکت کرنے کی توثیق کی ہے۔ ادھر دوسری جانب پارلیمنٹ اجلاس کے آغاز سے قبل کانگریس ہائی کمان کی جانب سے مستعفی تلنگانہ ارکان پارلیمنٹ پر استعفوں سے دستبرداری کے لیے زبردست دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ریاست میں کانگریس پارٹی امور کے انچارج غلام نبی آزاد نے تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ کو فون کرتے ہوئے انہیں فوری دلی آنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت کو لے کر بھی تلنگانہ کے کانگریسی ارکان پارلیمنٹ الجھن میں مبتلا ہیں، جبکہ اسپیکر لوک سبھا میرا کمار نے کہا تھا کہ وہ 1 اگست سے قبل تلنگانہ کے مستعفی ارکان پارلیمنٹ کے استعفوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس مسئلے پر فیصلہ لیں گی۔ علیحدہ تلنگانہ سیاسی جے سی کے صدر نشین کودن رام ریڈی نے 1 اگست سے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کی جانب سے اعلان کی گئی ہڑتال کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودن رام ریڈی نے کہا کہ ملازمین کی ہڑتال تلنگانہ کے حصول کے لیے چلائی جا رہی تحریک کا ایک ہتھیار ہے۔ انہوں نے تمام تلنگانہ کے حامی جماعتوں سے ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک ہو جانے کی اپیل کی ہے۔ تیلگو دیشم کے آندھرائی لیڈر سومی ریڈی چندر شیکھر ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم اگر ہوتی ہے تو حیدرآباد کو مشترکہ دارالحکومت کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سومی ریڈی نے تلنگانہ ملازمین کی جانب سے دیے جا رہے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کے ملازمین دہشت گردوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر تیلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو کے علاوہ آندھرا کے کئی قائدین نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے نمایاں کام انجام دیے ہیں۔ ادھر تیلگو دیشم کے تلنگانہ کے رکن پارلیمنٹ رمیش راتھوڑ نے کہا ہے کہ وہ علیحدہ تلنگانہ کے لیے استعفے کے موقف پر اٹل ہیں۔ انہوں نے علیحدہ تلنگانہ کے حامیوں کی جانب سے استعفے نہ دینے پر سنگباری کرنے کی دھمکیوں کو نامناسب قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے رمیش راتھوڑ نے کہا ہے کہ کانگریس ہائی کمان تلنگانہ کے ارکان پارلیمنٹ کو صرف دلی طلب کر کے انہیں ٹھنڈا پانی اور چائے پلا کر ان کی دلجوئی کر رہی ہے۔ پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت سے متعلق پوچھے گئے سوال پر رمیش راتھوڑ نے کہا کہ سلسلے میں پارٹی قائدین سے بات چیت کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ این ٹی آر ٹرسٹ بھون کی جانب سے عوامی خدمات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صدر تیلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے یہ بات کہی۔ چندرا بابو نائیڈو نے آج بے روزگار افراد میں تغذیہ بخش اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے عوامی خدمات کے لیے این ٹی آر ٹرسٹ بھون کو مزید متحرک بنانے پر بھی زور دیا۔ اساتذہ کا اہلیتی امتحان ٹیٹ اتوار کو منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے تمام انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں۔ اس امتحان میں 376,106 امیدوار حصہ لیں گے۔ امتحان کے پرامن انعقاد کے لیے پولیس کے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے ساحلی اضلاع میں گزشتہ کئی گھنٹوں سے زبردست بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع کرشنا گنٹور میں بارش کی وجہ سے عام زندگی پر اثر پڑا ہے۔ کل رات سے ہی ان علاقوں میں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ساحلی آندھرا اور تلنگانہ کے اضلاع میں مزید بارش ہو سکتی ہے۔ نلور ریلوے اسٹیشن پر مسافر بیگ سے بم دستیاب ہونے سے خوف اور دہشت پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق آج صبح نامعلوم شخص نے ریلوے اسٹیشن فون کر کے بم رکھے جانے کی اطلاع دی۔ ریلوے حکام نے فوری اس کی اطلاع پولیس کو دی۔ پولیس اور بم اسکواڈ کی جانب سے اسٹیشن کو خالی کروا کر ریلوے اسٹیشن کی تلاشی لی گئی، جہاں ایک مسافر بیگ سے بم نما شے دستیاب ہوئی۔ پولیس بم کی نوعیت اور فون کرنے والے شخص کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اونگول میں ایک جنونی عاشق نے لڑکی کی جانب سے محبت کے اقرار سے انکار پر اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ ناگارجنا نامی نوجوان اپنی ساتھی کلاس میٹ انورادھا سے ایک طرفہ محبت کیا کرتا تھا اور وہ انورادھا کو محبت کا اقرار کرنے کے لیے ہراساں کر رہا تھا۔
अनुराधा की जानिब से उसकी पेशकश को ठुकराने पर आज उसने अनुराधा पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने नागार्जुना को गिरफ्तार कर लिया है। अनुराधा को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। महकमे सिद्धांत रिश्वत के अहदेदारों ने आदिलाबाद रजिस्ट्रार ऑफिस पर धावा करते हुए रजिस्ट्रार के खिलाफ मिल रही शिकायत पर रजिस्ट्रार मल्लिकार्जुन के असासजात से मुतालिक तफसीलात हासिल की। एसीबी अहदेदारों की जानिब से मल्लिकार्जुन के करीमनगर में वाक़ घर पर भी धावा किया गया है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल अक्वामी खबरों पर। शाम के इंसानी हकूक के इदारे सवासिया का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे को मुल्क भर में कम से कम 20 अफराद को हलाक कर दिया है। शाम में हुकूमत की बरतरफी और आज़ादी का मुतालबा करने वाले पुरन मज़ाहरीन को सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल तशद्दुद के जरिए तबा रही है। इस इदारे के मुताबिक जुमे को मुल्क भर में होने वाले बेशतर एहतजाजी मज़ाहरों के दौरान फोर्सेस ने पुरमन मज़ाहरीन पर रास्त गोलियाँ चलाईं। इंसानी हकूक के इदारे का कहना है कि उसके पास साहली शहर काजकिया, वस्ती शहरों हामा और हमस और जनूबी शहर दुर्रा समेत मुख्तलिफ इलाकों में हलाक होने वाले 20 अफराद की फहरिस्त भी मौजूद है। इस दौरान शाम में इंसानी हकूक के नुमाइंदों ने अपनी वेबसाइट पर एक वीडियो क्लिप जारी की है, जिसमें शामी फौज के एक आला अहदेदार कर्नल सैयद रियाज उल असद को शामी फौज से अलहदा होकर आज़ाद फौज की तश्कील का ऐलान करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने अपने प्याम में शामी फौज के दीगर अहदेदारों से भी इस्तीफे देकर आज़ाद फौज में शामिल हो जाने की अपील की है। नाटो ने तिरुपली में लीबिया के सरकारी टेलीविजन के मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद ने हफ्ते को एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई का मकसद मुअम्मर खज़ाफ़ी की दहशत पर मबनी नशरियात को रोकना था। नाटो के तर्जुमान का कहना है कि खज़ाफ़ी हुकूमत की जानिब से शहरियों को मुनज़्ज़म अंदाज से धमकाने के लिए मवासलाती निज़ाम का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में नाटो की एक कार्रवाई ज़रूरी थी। नाटो के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई किस हद तक मौसर साबित हुई है इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इस दौरान लीबिया की बागी कौंसल के बागी कमांडर अब्दुल फतेह यूनुस के कत्ल की तहकीकात के लिए कमेटी का क्याम अमल में लाया गया है। लीबियाई हुकूमत के तर्जुमान ने यूनुस के कत्ल के लिए अलकायदा को जिम्मेदार करार दिया है। तुर्की के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ और तमाम मिलिट्री कमांड हुकूमत के साथ एक तनाज़े पर मुस्तफ़ी हो गई है। जनरल इसिक कोसनेर हालिया चंद दिनों में तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब अर्दगान के साथ मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके थे, तहम वो बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहों के साथ मुस्तफ़ी हो गए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने हुकूमत का तख्ता गिराने की कोशिश में मुबैन तौर पर मुलव्वस फौजी अफसरों की गिरफ्तारी पर इस्तीफे दिए हैं। पाकिस्तान के जनूब मगरबी शहर कोयटा के एक नवाही इलाके में 11 अफराद को हलाक कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हफ्ते को होने वाले इस हमले में हलाक होने वालों में कम से कम 10 शिया मुसलमान हैं। आला पुलिस अहलकार जमील अहमद ने खबर रसां इदारे AFP को टेलीफोन पर बताया कि मुसल्ला अफराद ने शिया मुसलमानों को ले जाने वाली एक मुसाफिर वैन को निशाना बनाया। इस हमले में 10 शिया मुसलमान और एक राहरू हलाक हो गया, 4 अफराद जख्मी बताए गए हैं। अमेरिका में खर्च की हद बढ़ाने से मुतालिक रिपब्लिकन पार्टी के ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर किए गए बिल को अमेरिकी सीनेट ने मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी सीनेट में पेश किए गए इस बिल की मुखालिफत में 59 और हिमायत में 41 वोट डाले गए। खलवजी अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने खर्च की हद को $900 अरब तक बढ़ाने से मुतालिक बिल को मंजूर कर लिया था। रिपब्लिकन अरकान की अक्सरियत पर मुश्तमिल ऐवान नुमाइंदगान में इस बिल को 210 के मुकाबले 218 वोटों से मंजूर किया गया था। तहम अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट अरकान की अक्सरियत की वजह से इस बिल को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक खर्च की हद बढ़ाने के मामले पर अमरीकी अवाम सदर बाराक ओबामा से खुश नहीं है। यही वजह है कि सदर बाराक ओबामा की मकबूलियत में मजीद कमी देखी जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। चंद गोलियां और जरबात से मेरा अज़्म और हौसला पस नहीं किया जा सकता, पहले से ज्यादा आवाम की खिदमत करूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐलान। आज मैं मुसलमानों की दुआओं के नतीजे में जिंदा हूं, सेहतयाबी के बाद कायदे मजलिस का पहला जज्बाती खिताब। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा को फौरी इस्तीफा देने, बीजेपी आला कायदीन की हिदायत।
और तेलंगाना वजरा से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की आज शाम मुलाकात का इम्कान, इस्तीफों से दस्तबरदारी की तरगीब देने की कोशिश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा, अल्लाह हाफिज़।